हेलो गाइस, आज मैं यहाँ पुर्तगाल की गलियों में आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे भाइयों के साथ आया हूँ मैं। ठीक है, पीछे अपना ये मोंती रोड ही है जो, ठीक है, छोटा सा मॉल रोड लगा लो इसको, जैसा भी है। तो मैं अभी आपको उसके बारे में थोड़ा बताऊँगा। भाई जी अपना यहीं काम करते हैं रेस्टोरेंट में ही। तो गाइस ये है थोड़ा सा सारे चेंज हो रहे हैं इधर, वो सारे परे काम। मुझे सामने गेट, अभी वहाँ भी जाएंगे, अभी हम जा रहे हैं जारा में भाई जी। और तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ अपस्टेयर्स पे, क्योंकि तो भाई जी को लेने हैं परफ्यूम्स, बाकी नीचे क्लोथ्स हैं और ऊपर भी कपड़े ही हैं। और ऊपर जा रहे हैं, जाना पड़ेगा। तो भाई हम वहां से जा रहे हैं, से निकल के आ चुके हैं। एक भाई जी ने लिया परफ्यूम और हम आ रहे हैं बाहर। अब हम जा रहे हैं सामने गेट की तरफ। आपको अभी आज यहीं आया हूँ। ठीक है, बीच में हमने बहुत कुछ देखा था, लेकिन उस टाइम टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का, थोड़ा मस्ती में घूम रहे थे। तो अभी आगे थोड़ा फ्री से हुए तो वीडियो बनानी स्टार्ट कर ली मैंने। कोई बात नहीं, अब आपको डेली ऐसे दिखाता रहूँगा पुर्तगाल की गलियाँ, या मतलब कि जहाँ हम रह रहे हैं उसके आसपास, जहाँ पहले हम फ्रांस में रहते थे पेरिस में, उससे पेरिस से ज़्यादा यहाँ पे बहुत सारा एरिया है ब्लॉगिंग के लिए। ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। ऑन दी रोड रेस्टोरेंट है, साइड में रेस्टोरेंट है और बीच में खाने पीने का रखी हुई है, बाकी साइड में कपड़े वगैरह का शोरूम भी है। तो अभी हम मिलते हैं और आगे चल के आपको दिखाता रहूँगा। उस गेट के पास जाएंगे, ठीक है ना, उसके पास से दिखाऊँगा आपको, तो बने रहना वीडियो में। भाई जी रास्ते में ही इन्होंने लगा रखी है बैगों की सेल, ठीक है, लेडीज पर्स की। चलो स्पाइडरमैन। बाकी जो यहाँ पे गर्मी है, यहाँ तो गर्मी तेज है, ज़्यादा गर्मी है क्योंकि यहाँ सूरज जो है वो नीचे है बहुत ज़्यादा। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपना गेट के पास। टाइम हो चुके हैं 4:30, क्या मतलब कि पता नहीं लगता हमको वो टाइम होकर निकले थे, को 1 बजे निकले थे हम घर से, बट वीडियो बनाने का टाइम हमको अभी लगा क्योंकि हम बहुत जगह घूम के आ चुके हैं, बट उस टाइम सिर्फ घूमने की मस्ती में थे। ये ऑटो है यहाँ पे, स्केचर्स। ओके, अभी अंदर जाएंगे, देखते हैं। भाई जी रुके हैं यहाँ पे, तो मैं भी इन्होंने आज जूते लेने की सोच रखी है, तो देखते हैं लेके जाएंगे। ओके, पैसे हम गए थे वहाँ, पसंद नहीं आए इनको, ठीक है, फुट लॉकर के नाम से जगह थी, वो फ्रांस में भी थी, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो भाई हम आए हुए हैं यहाँ स्केचर के शोरूम में, ठीक है, भाई लोग जी देख रहे हैं अपना जूते। बाकी इनका मैं आप लोगों को अभी प्राइस भी दिखा देता हूँ।
प्राइस इन पे लिखा हुआ है 87.50 सब कुछ लिखा हुआ है। गंदे काम नहीं करने। तो गाइज हम वहाँ से जूते के शोरूम में से बाहर आ चुके हैं, पसंद ही नहीं आए। ठीक है अब हम जा रहे हैं थोड़ा और आगे। गाइस यहाँ की आप लोकेशन देख ही सकते हो आसपास की। तो सामने है समुंदर। और ये आ रहे हैं भाई जी हमारे। ठीक है एक भाई जी ये रहे, एक भाई जी कहाँ गए, नकुल बाजी वो जा रहे हैं। तो गाइज आसपास के आप लोकेशन देख लो। ठीक है ये बीच के बिल्कुल पास है, वो सामने है दूर बीच। अब हमको वहीं जाना है, बीच में से ही बाय शिप। ठीक है तो उसको वही दिखाऊंगा। अब हम घर की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है तो मिलते हैं अब अपना क्या कहते हैं शिप में। ठीक है बाकी उधर भी बहुत सारी लोकेशन है बीच की, उधर भी है। आपको मैं अभी अभी आया हूँ। ठीक है अभी मैंने पास सुनवाना है, क्योंकि अगर मैं ऐसे घूमूंगा तो मेरा खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, और खर्चा ज़्यादा हो जाएगा फिर तो दिक्कत आ जाएगी ना। इसलिए जब पास बनवा लेंगे एक बार 40 यूरो का, ठीक है उसके बाद बाय शिप बाय ट्रेन बाय बस कैसे मर्जी हम आ जा सकते हैं कहीं भी। ठीक है ना तो 3-4 दिन में, आजकल में मैं मतलब यहाँ पे पास में तो नहीं बनता, नहीं थोड़ी दूर है यहाँ से एरिया। तो कल भाई जी के साथ जाऊँगा एक, ठीक है एक भाई जी के साथ जाऊँगा। तो फिर मैं वहीं उनके साथ जाके पास बनवाऊंगा। वो पास मे भी अगले दिन नहीं आवा, उससे अगले दिन मिले, एक दो दिन लग जाते हैं उसमें पास को बनने में। ठीक है तो उसके बाद ये दो जितने भी दिन मैं फ्री रहूँगा यहाँ पे इस महीने में, तो वो मैं आपको घूम फिर के दिखाऊंगा, घर पे नहीं रहूँगा। आप लोगों को आसपास की लोकेशन दिखाता रहूँगा, तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में। और हम जा रहे हैं थोड़ा आगे शिप में बैठने के लिए। हम जा रहे हैं यहाँ से आगे आसपास की लोकेशन, मतलब यहाँ की लोकेशन बहुत ज़्यादा देखने लायक है। ये रहा बीच, मजा रही है शिप। हम भी शिप में बैठ के जाएंगे अभी। बाकी वो बीच में जो पुल आप लोगों को दिख रहा है बहुत ज़्यादा दूर, वो यहाँ पे वर्ल्ड फेमस है। ठीक है उसके बाद साथ में वो जो एक मूर्ति सी है स्टैचू है वो भी वर्ल्ड फेमस है, वहाँ भी मैं जाके दिखाऊंगा आपको। ठीक है अभी हम जाएंगे यहाँ से अंदर अंदर, तो चलो बाकी देखते हैं अभी यहाँ बैठे हैं या घर की तरफ ही जाएंगे सीधा, जो भी होगा बताएंगे आपको। तो गाइस हम आ चुके हैं अंदर अपना शिप के स्टेशन पे। ठीक है सामने ही खड़ी है हमारे शिप, लोग जा रहे हैं, ये खड़ी है सामने शिप जिसमें हमने जाना है। अब हम यहाँ से जाएंगे अपना घर की तरफ, तो मिलते हैं आपको जब वहीं पर ही। हमको जाना है बीच के उस पार। ठीक है तो मिलते हैं आप सीधा शिप के अंदर ही बैठ के। बाकी अब यहाँ ठंडी हवा चल रही है पानी के कारण, बाकी बाहर से धूप में बहुत गर्मी लगती है, तो मिलते हैं आप अंदर ही। गाइस हम बैठ चुके हैं अपना शिप में। ठीक है मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं सेंटर में, दिखाऊंगा आपको शिप के अंदर का व्यू अंदर से पास कर लूँ। हम बैठे हैं एकदम ऊपर की तरफ। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन के बिल्कुल पास। ठीक है अब जो आप देख रहे हो अपनी शिप एक ऐसी इसी तरीके से अभी घूम के लगेगी, और अभी ये दो दिन खड़ी है। ठीक है अपनी जो अभी घूमने वाली है उनकी
फुल्की, उनके उस साइड ही लगेगी तो वो भी आप देखते रहना। ये हो चुके हैं, ये टर्न स्टार्ट हो चुके हैं, टर्न कर रही है। चलो देखता हूँ आपको, तो गाइस अब हम जा रहे हैं शिमले से उतर के अपने घर की तरफ। ठीक है, तो गाइस ये अपनी जो शिप जहाँ से हम उतर के आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अपना घर की तरफ यहाँ से बाहर। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपना घर की तरफ। ठीक है, साथ में आ रहे हैं भाई जी अपने। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब के लिए बाय।